बेटे की चाहत इंसान को कहां से कहां ले जाती है। बेटे के चक्कर में इंसान क्या कुछ नहीं करता है। बेटे की चाहत कितनी होगी उन लोगों के लिए जिनके घर में पहले से ही बेटियां हो। बेटे की चाहत वो खुद ही समझ सकते हैं कि किस हद तक होगी। नमस्कार, मैं हूं आते और आप देख रहे हैं समझर न्यूज इंडिया। कहावत है कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, और कभी कभी इतना दे देता है कि संभाले नहीं संभलता। ऐसा ही कुछ हुआ है आगरा के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ, जब उसकी पत्नी ने एक ही समय में 4 बच्चों को जन्म दिया। अब इतनी बड़ी खुशी उस घर के मेंबर ना तो खुशी में जता पा रहे हैं ना ही गम जता पा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें बेटा तो दिया है लेकिन बेटे के साथ साथ 3 और बेटियां दे दी हैं, जबकि पहले से ही उनकी 3 बेटियां हैं। हालांकि उस व्यक्ति की हालत जो है पहले से ही माली है, एक ऑटो चलाकर घर का गुजारा करते हैं, और अब 4 बच्चों के बाद वो 9 लोग हो गए हैं, और उन्हें ये महसूस होता है कि वो इतने बच्चों का खर्चा नहीं चला सकते, अपने घर का गुजारा भी कैसे करेंगे, जिसके लिए उन्होंने मीडिया के सामने सरकार से मांग रखी है कि उनकी मदद की जाए, क्योंकि 7 बच्चों का पालन करना उनके लिए बेहद मुश्किल है। भैया मेरे को पहले मैंने टाटा में अपनी बाइक को भर्ती कराया, पहले ट्रीटमेंट चलाया था, तो जो मान लो उन्होंने 2 बच्चे थे मेरे से बोला कि 2 बच्चे होंगे, लेकिन आने वाले समय में जो 7 महीना हो गए तो मेरी मिसेज को परेशानी हुई, तो मैंने अम्बे में भर्ती कराया है। अब अम्बे वाले डॉक्टर अम्बे से मैंने 25,000 रुपये दे दिए, तो उन्होंने 50,000-60,000 रुपये का खर्चा बताया, बाकी का उनको देना है। और बच्चे को मेरे को हॉस्पिटल में रखना पड़े, ट्रांजमना में अक्षय गुप्ता के यहाँ पालना हॉस्पिटल में उनको रखना पड़े, तो एक दिन का चार्ज उन्होंने बताया मेरे को 25,000-30,000 रुपये, उसमें मैंने 16,000 रुपये दे दिए। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर साहब ने 25,000 तो मैंने दे दिया, लेकिन इतनी मेरी मदद सरकार से गुहाइश है, या तो डॉक्टर साहब हमारी मदद कर दें, या फिर सरकार की ऐसी कोई योजना हो। मेरी 3 बच्चे पहले से हैं और 4 बच्चे अभी प्रेजेंट में हुए हैं, तो सरकार से ऐसी गुजारिश है जो हमारे बच्चों का इलाज, जो सरकार भी पैसे देती है बेटी की डिलीवरी होने पर, सरकार पैसे देती है, बच्चे के भी पैसे देती है, क्या आपको कोई लाभ मिला उसका? भैया मेरे को अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है, मेरी जेब से जी मान लो मेरे पास उधार लेके मैंने अपने बच्चों का भर्ती कराया है, और डॉक्टर साहब को भी दे दिया, किराए पर रहता हूँ, और क्या नाम है, मैंने मकान मालिक से उधार पैसे लेके और अपने बच्चों को भर्ती कराया है। तो अब इस समय तो आपकी हालत बहुत बुरे हो गए होंगे। अब भैया मेरे को सरकार से यही गुजारिश है कि या तो मेरी डॉक्टर साहब कुछ हेल्प कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। भैया मेरी डॉक्टर पैसा मांगा जाएगा उल्टा, और कम से कम 25,000-30,000 रुपये तो मेरे को डॉक्टर को देने पड़ेंगे जो हमारी मिसरी भर्ती अम्बे में, और उसके अलावा एक दिन का 24,000 रुपये का मशीन में उसने बताया बच्चों वाले डॉक्टर ने अक्षय गुप्ता ने, और 3-4 भी दिन रखे गए, तो भैया 1.5 लाख का कर्जा हमारे पास हो जाएगा, और पता नहीं उनमें से हमारे कैसे बच्चे। अपनी ऑटो चलाते हैं या किराए की चलाते हैं? भैया मैं अपनी खुद की ऑटो चलाता हूँ, लेकिन जो है ऑटो में कुछ नहीं कमता हमारे, अब 3 लड़की पहले से 4 बच्चे और हो गए, तो हमारे 7 बच्चे हो गए, 6 लड़की 1 लड़का, तो भैया हम अपना कैसे पालन पोषण करेंगे, हम तो मान लो अपना कुछ भी नहीं कर पाएंगे।